भारतीय कप्तान विराट कोहली को जब से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से धमकी मिली है, उस वक्त से ही पूरी दुनिया उनके लिए दुआ करनी शुरू कर चुकी है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां आतंकवादियों के निशाने पर एक क्रिकेटर आया है। ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लश्करे तैयबा नाम का एक आतंकवादी संगठन है, जिसने भारत के 12 व्यक्तियों के नाम देते हुए कहा है कि ये 12 इंसान उनके निशाने पर हैं। इसमें सबसे पहला नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और उसके बाद अमित शाह भी शामिल हैं। लेकिन आखिरी नाम में विराट कोहली का नाम देखकर हर कोई दंग रह गया है। भारतीय क्रिकेट की शान विराट कोहली के लिए बीसीसीआई ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा के साथ साथ सभी भारतवासी भी उनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे जब भी विराट कोहली को मदद की जरूरत होगी। ये सब खबर सुनने के बाद पूरे विश्व में उनके लिए प्रार्थना शुरू हो चुकी है। उनके लिए दुनिया के हर एक कोने से दुआ आ रही है, चाहे वो खुद आतंकवादी देश पाकिस्तान ही क्यों न हो। उनके लिए दुआ पाकिस्तान से भी आ रही है, जिसे देखकर पूरा भारत खुश हो गया है। पाकिस्तान में भी विराट कोहली को बहुत सम्मान दिया जाता है, जिस वजह से ही एक क्रिकेट प्रेमी ने सोशल मीडिया के द्वारा कहा है कि अल्लाह उन्हें बचाएगा, क्योंकि उनके बिना क्रिकेट कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। ये प्यार उनके लिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान के दर्शक के ये कहने के बाद भारतवासी ये देखकर चौंक गए हैं, पर खुश भी बहुत हैं। हम न सिर्फ विराट कोहली बल्कि उन सभी 12 लोगों के लिए दिल से दुआ करते हैं जो इन आतंकवादियों की हिट लिस्ट में शामिल हैं। हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर उनके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।